हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन लॉगरिथम 2 नंबर लॉग 10 to power x या 10 to exponent x कह सकते हैं। देखिए, अधिकांश स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो लॉगरिथम वैल्यू जो होते हैं उसका मान हमको याद नहीं हो पाता है। तो उस मान को याद कराने के लिए मैं दो ट्रिक बताऊंगा जिनसे कि आप लॉगरिथम का जो वैल्यू है, जो मान है, उसको आप याद कर पाएँ, उसको लॉगरिथम के रूप में रिप्रेजेंट करा पाए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप log 1 को log 10 के साथ एक साथ कंपेरिजन करा दीजिए, यानी लिख दीजिए। देखिए, log 1 का मान कितना होता है? 0। और ये log 10 का मान कितना होता है? बोलिए, 1 होता है। इन दोनों को एक साथ आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद log 2 और log 4 को लिख दीजिए, log 2 और log 4, इसको एक साथ में लिख दीजिए। log 2 का वैल्यू जो होता है 0.3010 सुविधा के अकॉर्डिंग बोलते हैं, और log 4 का मान यहाँ पे देख सकते हैं 0.6020। दोस्तों थोड़ा सा वेट करिए, ट्रिक अभी मैं बताऊँगा। देखिए, ये भी ट्रिकी है, एक मेथड से याद करने का तरीका है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं log 3, उसके बाद log 5 को एक साथ कर दीजिए, log 3 और log 5 को एक साथ लिख दीजिए। log 3 का मान 0.4771, ये किस प्रकार से लाएंगे इसका ट्रिक मैं अभी बताऊंगा। और log 5 का मान 0.6989, इसको आप एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप किसको करेंगे, log 6 और 7 को लिख दीजिए, log 6 और log 7 को एक साथ आप लिख दीजिए। log 6 का मान 0.7781 है, और log 7 का मान 0.8450 होता है, ठीक है। दोस्तों देखिए, आप कौन कौन सा मान बच रहा है, log 8 और log 9, यानी log 8 = 0.9030, log 9 का जो वैल्यू है, log 9 है 0.9542, ठीक है। अब दोस्तों इस वैल्यू को इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, log 1 का मान 0 होता है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। लेकिन एक और मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। यदि हम मिलेगा तो कमेंट करिएगा, हम इस वीडियो को डिलीट कर देंगे, इतना गारंटी दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब याद कैसे करेंगे, log 1 का मान 0 और log 10 का मान, ये तो सिंपल, इसको तो याद कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो लिखे हैं साथ में log 2 का मान, ये तो दूना होता है, इसको भी, ये दोनों तरीके क्या है, आसान है, इसको आप याद कर सकते हैं। log 2 का मान 30, 10, log 4 का मान 0.6020, इस प्रकार से याद रखते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि log 3, 5, log 6, log 7, log 8, log 9 का मान हम कैसे याद करें। तो log 3, इसमें कुछ दिख रहा है आपको, 0 पॉइंट सब में कामन है। तो देखिए, log 3 का मान देखिए 0 पॉइंट लिख सकते हैं। बोलिए, अब 3 में 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अब 4 में फिर प्लस से 3 जोड़ दीजिए, 7 आ गया। फिर 4 में 3 जोड़ दीजिए, कितना गया, 7 आ गया। फिर ये इस एक को यहाँ पे आप लिख दीजिए, देखिए वैल्यू होता है कि नहीं, log 3 का मान कितना होता है, 0.4771 होता है। ठीक इसी प्रकार इसको भी करेंगे, log 5 का मान, इसमें देखिए इसमें कॉमन था 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट लिख दीजिए। 5 में, यानी 5 में 1 जोड़िए, 6 हो गया, ठीक है। 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है, तो 3 में 6 जोड़ दीजिए, 9 हो गया, ठीक है। 9 में से 1 घटा दीजिए, 1 घटाइए, कितना हो गया, 8 हो गया। फिर क्या करेंगे, 6 का आधा 3, 3 में 6 जोड़ देंगे, यानी 6 + 3 = 9। देखिए दोस्तों, आपके सामने वैल्यू है। अब देखिए, log 6 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 0 पॉइंट कॉमन था, 6 में 1 जोड़िए, 7 हो गया, फिर 1 जोड़िए, 7 हो गया, ठीक है। अब फिर एक जो एक जोड़े थे, 6 में 1 जोड़े थे 7, 6 में 1 जोड़े थे 7, अब इस एक को इसमें जोड़ दीजिए, 8, फिर 1 यहाँ पे आप लिख दीजिए, देखिए। अब log अगर 7 की अगर बात करें, तो इसमें आप क्या करें, 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 0.8, 0 पॉइंट तो कॉमन था, 8 हो गया, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है।
इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 2 से भाग करेंगे। अब उसके बाद देखिए, 4 में इस 1 को जोड़ दीजिए, 5 हो गया ना। अभी 1 को लिख दिए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब देखिए लॉग 8, लॉग 8 को देखिए 0 पॉइंट कॉमन था, 1 जोड़िए इसमें, 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 हो जाएगा, ठीक है, 1 तो जोड़ दिए, फिर 0 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कि 9 में किससे भाग जाएगा, तो 9 में तो देखिए इधर लिख देते हैं, 2 से भी, सॉरी 3 से भी भाग जा सकता है, ठीक है। उसके बाद 9 से भाग से जा सकता है, ठीक है, तो आप 3 से भाग कर दीजिए तो कितना जाएगा, 3 बार में जाएगा जाएगा ना दोस्तों। उसके बाद 0 लिख दीजिए आप। उसके बाद लॉग किसका मान बताना है, 9 का। तो देखिए लॉग 9 का मान 0 पॉइंट इसमें कॉमन है, ठीक है, इसको 9 को 9 रहने दीजिए, नहीं तो 2 अंक हो जाएगा इस, ठीक है। अब इसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, 5 हो गया, 5 में से घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 4। और जो 2 से भाग कर किए थे उसको 2 लिख दीजिए। देखिए सब वैल्यू याद होगा कि नहीं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।